आजादी के अमृत महोत्सव और बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार को एबीवीपी ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। नूतन नगर से शुरू हुई यात्रा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए जब सड़कों पर कदमताल करते विद्यार्थी और कार्यकर्ता मुख्य मार्गों से गुजरे तो लोगों ने देशभक्ति के जज्बे को सराहा। रैली के आगे आगे चल रहे वाहन में साउंड सिस्टम पर देशभक्ति गीत बजाए जा रहे थे, जिन्हें सुन बरबस ही हर किसी का ध्यान रैली पर केंद्रित हुआ। एबीवीपी नगर अध्यक्ष अचला पालीवाल ने कहा कि भारत देश क्रांतिकारियों और बलिदानियों की भूमि है। यहां के तमाम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश में सर्वप्रथम स्वतंत्र कराया था, तो वहीं पहाड़ी रेतीले क्षेत्रों में तपती धूप, सियाचिन की हाड़ कपाने वाली सर्दी में देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के साहस को नमन करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। हम युवाओं को इनके द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चल करके देश प्रेम का भाव जागृत करना चाहते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। भारत की आजादी के 75वें वर्ष के इसमें अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये तिरंगा यात्रा उन वीर शहीदों के सम्मान में और उनके गौरव के लिए निकाली जा रही है, ताकि उनको हम अभिनंदन कर सकें, हमारे भारत के नागरिकों की तरह से उनको नमन कर सकें। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी, जो हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर, चाहे सियाचिन की बर्फीली वादियाँ हों, चाहे फिर रेगिस्तान के तपते स्थान हों, वहाँ पर भी वो हमारे सर्वोच्च रक्षा के लिए वो हमेशा तैनात रहते हैं। उनको यही हमारा सबसे बड़ा बंधन है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। कहाँ से कहाँ तक निकाली तिरंगा यात्रा हमारी? ये और भक्तानंद कॉलेज की से लगा करके टैगोर पार्क के प्रसार रोड होते हुए वहाँ से वापस इसी स्थान पर इसका समापन हुआ। क्या नाम है आपका? मैं अचला पालीवाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।